नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे करेले का अचार। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। करेले का अचार बनाने के लिए हमने लिए आधा किलो कच्चे करेले। इनको अच्छी तरह से धुल लिया है। धुलने के बाद इन्हें अब हम छील लेते हैं। अब इनको हम अच्छी तरह से छीलेंगे, एक एक करके। ऐसे हमने सारे करेले छील लिए। छीलने के बाद एक बार फिर धुल लेते हैं। धुलने के बाद इन्हें हम काटेंगे। काटने के लिए हमें देखना है कैसे काटने हैं। इन्हें ना ज्यादा मोटे पीसेस में काटने हैं, ना बहुत बारीक, मीडियम साइज काटने हैं। देखिए, अब एक एक करके हमने इस तरह से सारे करेले काट के रख लिए हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे नमक। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच नमक। इनको हम धीरे धीरे करके अच्छी तरह से नमक डाल करके मिक्स कर देंगे, जिससे मिक्स हम अच्छी तरह से करेंगे, जिससे सारे करेलों में नमक अच्छी तरह से मिल जाए। तो देखिए, हमने इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब इनको हम मिक्स करते हैं। इस तरह से हमने करेले में नमक मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे 1 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। जब 1 घंटे तक हमने धूप में रख दिया है, धूप में रखने के बाद इसे अब देखते हैं इसमें क्या मसाले पड़ेंगे। सबसे पहले हमने 1 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून कलौंजी सी, मेथी, हल्दी, 2 टेबलस्पून हल्दी ली है हमने, और थोड़ी सी हींग। और उसके बाद हम लेंगे ऑयल, जो हमने पहले से ऑयल को गर्म करके रखा हुआ है। जब धुआं निकलने लगा था तब इसको हमने उतार के ठंडा कर लिया है। और इसकी खटास के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिरका। 1 से 2 चम्मच हम इसमें सिरका डालेंगे। अब हमने ये सारे मसाले रोस्ट किए हैं। इन्हें हमें बहुत कम रोस्ट करना, हल्के से रोस्ट करके फिर इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए ध्यान रखना है कि ये बहुत बारीक नहीं पीसने हैं, मोटे मोटे मसाले रखने हैं, क्योंकि अचार में मोटा मसाला ही अच्छा रहता है अचार बनाने के लिए। अब हमने सारे मसाले ग्राइंड कर लिए, ग्राइंड करके रख लिए। अब ये हमारे करेले अचार के लिए रेडी हो चुके हैं। इनमें हम सारे जो मसाले हमने रेडी करके रखे थे उनको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हल्दी डालते हैं। हल्दी डालेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे। देखिए, अब इस तरह से हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। अब हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी हींग। मसाले डालने के बाद हम इसमें हींग डालेंगे। हींग टेस्ट के लिए अच्छी रहती है, साथ साथ डाइजेशन भी अच्छा रखती है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, जिससे हमारे करेले अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स हो जाए। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके सारा ऑयल जो रखा था, ऑयल और मसाला डाल देंगे। ये सारी चीजें हम इसमें मिक्स कर देते हैं। देखिए, देखते हैं हमें कितना ऑयल डालना है, जिससे अच्छी तरह से सारा मसाला करेलों के साथ मिक्स हो जाए। जितने हमें ऑयल की जरूरत है उतना हम डाल लेते हैं। ये अचार रेडी हो रहा है।
सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। नमक हम पहले से ही डाल चुके थे, करेले में लगा के रखा था, इसलिए नमक की दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा अचार रेडी हो चुका है। अब हम इसको इसमें कांच के जार में भरेंगे। कांच का जार जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है, धुल के सुखा करके अच्छी तरह से रखा है, जिसमें इसमें पानी ना रह जाए। पानी रह जाएगा तो अचार खराब होने के चांस ज्यादा रहेंगे। अब हम इसको इस कंटेनर में भर देते हैं। हमारा अचार अच्छी तरह से पूरा रेडी हो चुका है। अब हमने इसे कंटेनर में भर दिया है। देखिए हमारा करेले का अचार बहुत टेस्टी बना है, और आप लोग भी टेस्ट करिए और घर पे बनाने की कोशिश करिए। थैंक यू। सलाम, खबरों में।